हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करेंगे डाइस रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हालांकि मैंने डाइस का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, और यह क्वेश्चन एमबीए परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, जब आपको केवल एक ही डाइस दिया जाए तो आपको देखना है यह पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब एक ही पासा दिया जाए तो 90% वो मानक पासा ही होगा, 10% चांस ऐसा होता है कि एग्जामिनर सामान्य पासा देगा, ठीक है? लेकिन आपको समझना जरूरी है मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है। दोस्तों, मैंने इस बातें पिछली वीडियो में बता दी है, लेकिन आज फिर से समझ लेते हैं। देखिए, मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। दोस्तों, सामान्य पासे की पहचान ये होती है कि दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो, 7 से 7 और 7 से सामान, ठीक है? किन्हीं दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा होगा, अन्यथा वह मानक पासा होगा। जैसे 5 2 6, 5 और 2 7 हो गया योग। दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो जाता है तो वह सामान्य पासा होगा, नहीं तो कौन सा होगा? मानक पासा। तो दोस्तों देखिए, ये सामान्य पासा है या मानक पासा है? देखिए, 5 और 3 8, 7 थोड़ी हुआ योग तो अभी तक मानक पासा है। आगे देखते हैं, 3 और 6 9, 7 थोड़ी हुआ योग मानक पासा है। 6 और 5 11, तो यहां पर भी 7 योग नहीं हुआ है, इसलिए यह कैसा पासा है? मानक पासा। और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 1 के विपरीत क्या होगा? 6, तो 1 और 6 7, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, ठीक दोस्तों? और सामान्य पासे में आंसर फिक्स नहीं होते, मानक पासे में आंसर फिक्स होते हैं। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, लेकिन सामान्य पासे में पूछ लिया जाए हमसे, बताइए 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रही। कौन कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही, मतलब कौन कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे? 1 और 3 और 4, इनमें से एक कोई सा भी हो सकता है। निश्चित नहीं कह सकते कि 1 ही होगा या 3 ही होगा या 4 ही होगा, ठीक दोस्तों? तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा। और हमसे पूछा गया, बताइए अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमने देख लिया मानक पासा है, मानक पासे आंसर फिक्स होते हैं। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2, 5 और 2 7, तो 5 के विपरीत 2, तो यह है ऑप्शन सही होगा, ठीक दोस्तों? एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। जैसे 3 के विपरीत कभी 6 नहीं होगा, 3 के विपरीत कभी 5 नहीं होगा, 5 के विपरीत कभी 3 और 6 नहीं होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए। हाँ, तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, यह क्वेश्चन आरआरबी परीक्षा 2007 में पूछा जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन है अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों, जब आपको 2 पासे दिए जाए तो आपको क्या करना है? देखिए, 2 पासे में जो सतह कॉमन हो उस सतह को सबसे पहले पकड़ना है। तो देखिए, कौन सी सतह कॉमन है? तो दो दो अंक कॉमन है, तो पहले पासे में कॉमन अंक को पकड़कर घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 2 3 5, फिर दूसरे पासे में इसी प्रकार से 2 6 1, 2 6 1, हमसे क्या पूछा गया है? 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 5 होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। पूछ लिया जाता 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत क्या होगा? दोस्तों, 2 के विपरीत वो होगा जो इन दोनों पासों में नहीं है। 2 के विपरीत 1 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि दिखाई दे रही है आपस में। 2 के विपरीत 3 और 5 नहीं हो सकता, तो फिर क्या बचा 2 के विपरीत? 2 के विपरीत क्या बचा? 4, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक दोस्तों? और आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिए एक एरो का निशान बनाइए, कॉमन से चलेंगे हम इस प्रकार से, यूं यहां से चले और यहां तक पहुंच गए, फिर कॉमन से चलेंगे इस प्रकार से, यानी ये एरो का मुंह है और ये स्टार्ट है। अब पूछा क्या गया 1 के विपरीत, तो 1 देखिए कहां पर है, 1 मुंह पर है, एरो के मुंह पर है, मुंह पर क्या है? 5, तो आ गया आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, यह है क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन है अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों देखिए, आपको 2 पासे दिए गए हैं, तो दोनों में देखना है कॉमन सतह कौन सी है।
तो कॉमन दो है, कॉमन एक भी है दोस्तों, दो दो कॉमन है यानी दो दो सतह कॉमन है। यदि एक एक सतह कॉमन होती तो हमने जो सारणी बनाई पिछले क्वेश्चन में वो सारणी बना लेते, लेकिन यहां पर दो दो सतह कॉमन है तो जब दो दो सतह कॉमन हो तो दो दो सतह आपस में कट जाएंगी, यानी एक दो से एक दो कट जाएगा, बची क्या तीन और चार, तो तीन के विपरीत चार होगा और चार के विपरीत तीन होगा। हमसे क्या पूछा गया है, तीन के विपरीत, तो तीन के विपरीत क्या होगा चार। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे 100% बची हुई सतहों के विपरीत पूछेगा, यानी समान सतह कट जाएंगी, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक दोस्तों, यदि आपके कुछ कंफ्यूजन है उसको भी निकाल देता हूं। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए बताइए दो के विपरीत, तो दो के विपरीत एक और चार नहीं होगा, दो के विपरीत एक और तीन नहीं होगा, यानी एक चार तीन नहीं होगा दो के विपरीत। तो दो के विपरीत अब क्या होगा, कौन कौन से अंक बचे, दो के विपरीत पांच या छह में से एक होगा, और यह ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यही आपको सही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, यह है क्वेश्चन एमबीए परीक्षा 2007 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन है, अंक चार के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको तीन पासे दिए गए हैं। दोस्तों मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए पिछले, जिनमें दो पासे दिए गए थे, उन पासों में जो रूल बताया मैंने, जब एक सतह कॉमन हो तो आपको सारणी बना लेनी है, और जब दो सतह कॉमन हो तो दोनों सतह आपस में कट जाएंगी और बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। बस ये रूल याद रखना है, चाहे आपको दो पासे दिए जाए, चाहे तीन दिए जाए, चाहे चार दिए जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन देखिए, एक तीन से एक तीन खत्म, तो छह के विपरीत चार, चार के विपरीत छह, आ गया आंसर। क्या पूछा, चार के विपरीत, तो डी ऑप्शन सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों देखिए, आप पूछोगे सर बताइए इन दोनों से आंसर नहीं ला सकते क्या। दोस्तों आंसर आएगा तो लाएंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो इन दोनों डाइसों से हम आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। अब दोस्तों देखिए, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, पहले और तीसरे में कॉमन देखिए छह, छह कॉमन है, तो पहले और तीसरे से भी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए छह तीन एक, सारणी बनाई, छह तीन एक, छह पांच दो, छह पांच दो, एक के विपरीत दो, तीन के विपरीत पांच, छह के विपरीत बचा अंक क्या चार, तो चार के विपरीत क्या होगा छह। आप किसी से भी तुलना कर सकते हो, किसी भी पासे से, बस आपको कॉमन अंक देखना है, जिनमें कॉमन नहीं है उनको छोड़ दीजिए, जिनमें कॉमन हो उनको लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, यह है क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन है, अंक तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में चार पासे दिए गए हैं, घबराना नहीं है, चार दिए जाए, चाहे तीन पासे दिए जाए, चाहे दो पासे दिए जाए, आपको केवल दो रूल याद रखने हैं जो मैंने दो पासों में बताए हैं। जब एक सतह कॉमन हो तो आपको सारणी बना लेनी है, और जब दो दो सतह कॉमन हो तो दो दो सतह आपस में कट जाएंगी और बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमसे पूछा गया है अंक तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम कुछ देखना ही नहीं है, शुरुआत यहीं से करते हैं। कॉमन क्या है, पांच छ पांच छ, पांच छ से पांच छ खत्म, तीन के विपरीत चार और तीन के विपरीत ही पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब आप कहेंगे सर हम तो दूसरे और तीसरे से तुलना करना चाहते हैं आपस में, तो दोस्तों दूसरे और तीसरे में देखिए क्या क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनसे आंसर नहीं आएगा, यानी इन दोनों से आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए आप तीसरे और चौथे में क्या है कॉमन, एक चार एक चार, तो एक चार से एक चार कट जाएगा, दो के विपरीत छह, यहां पर क्या आया था तीन के विपरीत चार, ठीक है तीन के विपरीत चार आया इन दोनों में, और इन दोनों में क्या है दो के विपरीत छह, तो बचा क्या फिर एक के विपरीत पांच, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे और चौथे पासे में देखिए क्या क्या कॉमन है, छह छह कॉमन है दूसरे और चौथे में, तो चलिए छह पांच तीन, छह पांच तीन, छह एक चार, छह एक चार, तो देखिए तीन के विपरीत चार आ गया, पांच के विपरीत एक आ गया, तो छह के विपरीत क्या होगा दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना यार।
आपके लिए ही तो कर रहे हैं, बस लाइक तो बनता ही है। लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कोई भी